अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अरसलान शाह फ्रॉम एक्सेलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट टाइम हमने कोरल पर कार्ड डिज़ाइनिंग सीखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को टूल्स का यूज़ करना बताया था कि हम किस तरह टूल्स को यूज़ करते हुए कार्ड डिज़ाइनिंग मतलब कार्ड वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आज नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ न्यू ऑप्शंस, न्यू टूल्स बताऊँगा, उसमें हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। मैंने आप लोगों को पावर क्लिप के अंदर प्लेस इन साइड का ऑप्शन बताया था लास्ट टाइम, तो आज जो हम सीखेंगे वो है अरेंज में आ जाएं, अरेंज में शेपिंग, शेपिंग के अंदर जितने भी ऑप्शन है हम ये सीखेंगे। शेपिंग के अंदर जितने भी ऑप्शन है, वेल, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, ये हम सीखेंगे। इसमें इसके जरिए ये आप इस ऑप्शन के थीम अपने दिमाग में बिठा दें कि बेसिकली ये यूज़ कैसे होंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करें, वो दो ऑब्जेक्ट, कम से कम आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और ओवरलैप होनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक होना चाहिए, लाजमी सी बात है ये, वरना ये ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। मतलब काम तो कर लेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली ये है कि मैं पहले आप लोगों को इस ऑप्शन के बारे में बता दूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर मैंने एक और रेक्टेंगल जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इसे कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप जब आ गया, अब मैं जब इन दोनों को जैसे सेलेक्ट करूंगा, दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज में जब आएंगे आप शेपिंग के अंदर, ये सारे ऑप्शंस शो हो गए। पहले हाइट थे, अब शो हो गए, मतलब एक्टिव हो गई है। अब हमें क्या करना है, मैं बताया कि ओवरलैप होना जरूरी है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। अगर मैं आप लोगों को ये डीप में समझाना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इस पर हम काम करेंगे डायरेक्ट, और ऐसा काम करेंगे डायरेक्ट, हम जियो का लोगो बना देंगे इसमें। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर कटिंग करना। जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं, ये गिनने होते हैं, काउंट करने होते हैं इसमें आप लोगों को। कि आप देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो दो ऑरेंज है, एक ब्लू है और एक सर्कल है, इसमें चार ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं, हमें चार नहीं बनाने, नज़र तो आ रहे हैं लेकिन हमें बनाने नहीं है। हम फिलहाल जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जीम को बनाएंगे हम, बस बाकी अपने आप बन जाएंगे, हमें सिर्फ जीम बनाना है। ठीक है ना, तो कॉरल में एक आसानी है कि कॉर्नर रेडियस जो है वो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, शेप टूल के जरिए मैंने इसे कॉर्नर रेडियस लगाया, अब बाउंड्री बन गई, अब जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ जिम बनाना है। तो जब मैं जिम बनाऊंगा तो याद रखें फ्री हैंड का मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसमें करना ये है कि हमें ओवरलैप लाना है। ठीक है ना, जिम मतलब मैं बनाऊंगा तो जिम के जो कॉर्नर होंगे वो मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर चले जाएंगे, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी करना। ठीक है, तो मैंने जो है, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं लेकिन आप लोगों को ओवरलैप करना है, लाजमी है। तो ये स्टार्ट लिया मैंने, जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो डबल क्लिक से नोड ऐड करेंगे, डबल क्लिक करना लाजमी है। अगर मैं डबल क्लिक नहीं करूंगा तो होगा क्या, देख लें कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करूंगा, सिंगल क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक से क्या होगा, लाइन यहाँ पर आके एंड हो जाएगी। तो अब मुझे क्या है, दोबारा से मुझे यहाँ पर आके ऐड करना होगा, तो मैं जब यहाँ पर क्लिक करूंगा तब कंटिन्यू लाइन आ जाएगी और फिर मैं जो है बना सकता हूँ। तो इसे आसान करने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट डबल क्लिक कर लूँगा तो वो लाइन ख़त्म नहीं होगी, कंटिन्यू कर लेंगी आगे। ठीक, अब जीम की जो मैंने कटिंग है कंप्लीट है, अब करना है हमें एलिप्स बनाना है। एलिप्स बना लेते हैं पहले, तो जो सिंपल है वो बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे बनाऊंगा। ठीक, डन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखें यहां पर कर्व करना है, तो कर्व के लिए मैं यूज करूंगा यहां पर आके टूल्स में, आप देखें शेप टूल, तो शेप टूल शेप टूल लेंगे, शॉर्टकट F10, तो शॉर्टकट लेने के बाद जैसे ही अब मुझे यहां पर लाइन पर कहीं पर ही मुझे क्लिक करना है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑल नोड मतलब प्रॉपर्टी बार में शेप टूल की पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसमें लिखा होगा सेलेक्ट ऑल नोड्स, कि आप सारे नोड्स को सेलेक्ट कर लें ताकि हम इसे आराम से कर्व कर सकें। तो मैंने सेलेक्ट ऑल नोड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए सारे नोड जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ठीक है, तो इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद
अब मैं आराम से जो है इसे कर्व कर सकता हूं। बहुत इजी है, अगर आप लोग करेंगे तो समझ आ जाएगा और बेहतर समझ आ जाएगा। डन। अब जो ओरिजिनल पिक्चर है इसे मुझे अलग करना है, तो मैं किस तरह अलग करूंगा, आप अगर बीच में देखें, अगर मैं यहां से क्लिक करके इसे मैं ड्रैग करूंगा तो पिक्चर खराब हो रही है। फिर मैं क्या करूंगा, आसान तरीका है कि मैं किसी कॉर्नर पर आके मैं क्लिक करूंगा, इस उस कॉर्नर पर आऊंगा जो बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, या फिर मैं व्यू में आऊंगा, व्यू में कर दूंगा वाई फ्रेम, तो मुझे एक पिक्चर नजर आ जाएगी। देखें ये नजर, बाउंड्री बॉक्स, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इससे मैं पिक्चर को अलग कर दूंगा। जो ओरिजिनल पिक्चर है वो अलग हो गई, जो मैंने ट्रेस किया था वो अलग हो गई। नॉर्मल कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस यूज करने हैं यहाँ पर, तो पहले तो मैं इसमें कलर कर लूं ताकि आप नजर आए कि मैं ऑप्शंस यूज कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। देखिए भाई, तो अब जो है जीन रेक्टेंगल के ऊपर आया हूं, तो मैं जीम को रेक्टेंगल के साथ, ऑप्शन यहां पर आता है कि बैक माइनस फ्रंट, के बैक पे जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस फ्रंट वाले से हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, तो जो बैक पर जो ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल वो फ्रंट वाले से माइनस हो गया। इसी तरीके से अब मुझे इन सबको सेपरेट करना है, तो फिर मैं अरेंज में आके ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के करूंगा, कंट्रोल के करने के बाद ये सब अलग अलग हो जाएंगे, फ्रंट बैक माइनस फ्रंट यहां भी कर लेते हैं। अब हमें इसमें देख रहे हैं डिजाइन, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिर्फ कलरिंग करनी है इसमें। तो पहले मैंने सेल लिया, मुझे यहां पर ग्रेडियंट करना है, तो ग्रेडियंट के लिए मैं जो है शेप फिल में आया, ग्रेडियंट बॉक्स लिया, यहाँ पर मैं यूज करूंगा कस्टम, हाँ पहले बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं ऑरेंज कलर लूंगा, ऑरेंज कलर करने के बाद जो लास्ट वाला बॉक्स होगा इस पे मैं लूंगा येलो कलर। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैच हो गया, ओके कर लूंगा, ये आ गया। अब जो लीनियर जो स्टाइल है, मतलब जो ग्रेडियंट जो चल रहा है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट पर एंड हो रहा है, मुझे ये बॉटम से स्टार्ट करना है, टॉप पर एंड करना है, तो मैं करूंगा इसके लिए जी प्रेस करूंगा, सिर्फ जी, कंट्रोल जी नहीं, सिर्फ जी प्रेस करूंगा इसके लिए। गाइडलाइन आ जाएगी इस कलर की ग्रेडियंट की, तो मैं इसे डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। देख सकते हैं आप लोग, अब मुझे सेम यही कलर यहां भी करना है, दोबारा से मैं जाऊंगा ग्रेडियंट में, नहीं एक ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, आप चले जाएंगे एडिट में, एडिट के अंदर है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या चीज़ कॉपी करनी है, मैंने कहा मुझे फिल, जो मतलब फिल किया हुआ है मैंने, मुझे वो चीज़ कॉपी करनी है, ओके ठीक है ना। अब ये जो एरो बना हुआ है, जो एरो बना हुआ है ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपको किस चीज़ की कॉपी करनी है, तो मैं बताऊंगा इसे भाई ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे ये कॉपी करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो सेम एज इट इज जो है वो आप कलर देख सकते हैं कि मैच हो गए। अब मुझे ये बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा इसके लिए दोबारा से ग्रेडियंट और फिर कस्टम, कस्टम में आने के बाद पहला ब्लू, दूसरा सियान, ओके कर देंगे, ये आ गया। दोबारा से हम जी प्रेस करेंगे, गाइडलाइन को हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, डन। अब हम आउटलाइन इसकी राइट क्लिक करके आउटलाइन को हाइड कर देंगे, मतलब आउटलाइन को नन कर देंगे कि आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ टूल्स की मदद से मैंने जियो का, मतलब कोई भी लोगो
कंप्लीट हम इस तरह बना सकते हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमारे पास जो बाउंड्री आ रही है वो किस शेप की है, क्या वो रेक्टेंगल में है, क्या वो एलिप्स में है, या अभी जैसा कि मेरे पास एक और लोगो है। अब ये आप खुद भी बता सकते हैं कि भाई ये मैंने जो है अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मैं स्क्वायर से बनाऊंगा, रेक्टेंगल से बनाऊंगा। पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, फिर मैं दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। इसके बाद ये जो चीज़ है जो दुनिया लिखा हुआ है इसे भी मैं रेक्टेंगल से ही बनाऊंगा, ठीक है ना। इसमें मैं पेन टूल यूज नहीं करूंगा, रेक्टेंगल से बनाऊंगा क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है जो तुम्हें बताया था कि जो शेपिंग के अंदर जो वेल्ड का, तो ये सारा काम वेल्ड से होगा। वेल्ड के बाद बैक माइनस फ्रंट या फ्रंट माइनस बैक, जो ऑब्जेक्ट्स के जो हिसाब से जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा फिर हम उस तरीके से ये टूल्स यूज करेंगे। बहरहाल तो हमारा जो काम था आज का जियो लोगो बनाना था, तो ये हमने कंप्लीट बनाया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आने से बेहतर है कि समझ आई हो। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।